हमारा समाज में जो समस्या है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। फिर भी हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार फिर भी ब्राह्मण द्वारा, विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण है उसके द्वारा छीना जा रहा है। मोर देन 80% रिजर्वेशन ब्राह्मणों की है, देश ब्राह्मण चलाते हैं। संविधान मोदी जी नहीं रख सक रहे, RSS देश चला रहा है, RSS बीजेपी चला रहा है, बीजेपी क्यों चला रहा है, RSS कांग्रेस को चला, RSS ब्राह्मण द्वारा चला रहा है। नमस्कार, मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज़। हम इस वक्त मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हम आपको यहां पे पोस्टर दिखा देते हैं। यहां पे पोस्टर लगा हुआ है इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन। यहां पे लोग एकत्रित हुए हैं, जो ज्योतिराव फुले हैं आज उनको लेके ये लोग एकत्रित हुए हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया है जो कि 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन है उसको सफल बनाने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो ये मौजूद हैं, हम इन्हीं को लेके बातचीत करेंगे। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे, क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ पे? हम एक्चुअली इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये बामसेप जो बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन है, तो उनका एक ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें ये सारे मेडिकल जो प्रोफेशनल्स है, जो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, पैरामेडिकल्स, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो 9th कन्वेंशन है, दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में चल रहा है। तो इसमें सारा देश से, 31 राज्यों से यहाँ पार्टिसिपेंट है। और ये बामसेप के माध्यम से सारा देश में ये फैला हुआ संगठन है। तो बामसेप ये मूल्यवासी महापुरुष का जो विचारधारा है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे कि समाज में, जिस समाज में 10 डॉक्टर है, 20 इंजीनियर है, 30 लॉयर है, तो समाज के सामने आँख उठाकर किसी को देखने का हिम्मत नहीं रहेगा। तो इस विचारधारा जो है, तो हमारा समाज में संविधान की वजह से आज लाखों डॉक्टर है, लाखों इंजीनियर है, लॉयर है और सारे प्रोफेशनल्स है। फिर भी हमारा समाज में जो समस्या है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। फिर भी हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार फिर भी ब्राह्मण द्वारा, विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण है उसके द्वारा छीना जा रहा है। तो इसके लिए ये मतलब जो अधिकार है ब्राह्मणों द्वारा कैसे छीना जा रहा है? आप अगर देखेंगे तो भारतवर्ष की जो पिलर है, गणतांत्रिक जो पिलर है, डेमोक्रेटिक पिलर है, जैसे है मीडिया है, जैसे पार्लियामेंटरी व्यवस्था है, विधायिका है, जुडिशियरी सिस्टम विचार व्यवस्था है और एडमिनिस्ट्रेशन है। ये चार जो एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर है, चार पिलर पर मोर देन 80% रिजर्वेशन ब्राह्मणों की है, देश ब्राह्मण चलाते हैं। तो देश के अगर समस्या है, मूल्यवासियों का समस्या है, देश की जनता का समस्या है, तो ये तो ब्राह्मण के लिए समस्या हो रहा है ना। अगर हमारा समस्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार छीना जा रहा है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के क्या कर रहे हो, तुम जुडिशियरी में बैठ के क्या कर रहे हो, तुम मीडिया में बैठ के क्या कर रहे हो, तो ये उनका ही है ना, उनका कमजोरी है, कमियाँ भी है। तो अगर नहीं होता है तो और उसका फेवर में सारे फैसला हो रहा है, तो ये किसको दोषी मानेंगे? तो मतलब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की वजह से ये सब हो रहा है, ब्राह्मण अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है वो कह रही है कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके अधिकार दिलवा रहे हैं, सबके साथ हैं। वो कैसे हो रहा है? आप जानते हैं कि हमारा विरोध में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जो हुआ, नीट एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी फॉर एंट्रेंस टेस्ट जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए वो है, CEA क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, अब NRC CEA क्रिमिल ईयर है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो PPP ये नेक्स्ट है, और उसके बाद जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे हमारा विरोध में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, संविधान देशद्रोही की। और जो EVM है, EVM तो ये हमारा फेवर में नहीं है। जो EVM में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का ये राय है, फैसला है 8 अक्टूबर 2013 को।
तो फिर भी वो ईवीएम की चुनाव हो रहा है, 14 को चुनाव हुआ, ये 19 को चुनाव हुआ। लेकिन संविधान का रक्षक तो मोदी जी को ही माना जाता है ना, वही है संविधान को बचाने वाले। संविधान मोदी जी नहीं रख सक रहे, आरएसएस देश चला रहा है, आरएसएस बीजेपी चला रहा है, बीजेपी क्यों चला रहा है, आरएसएस कांग्रेस को चला, आरएसएस ब्राह्मण द्वारा चला रहा है। आरएसएस मतलब कांग्रेस को कैसे चला रहा है? आप जानते हैं कि आरएसएस कांग्रेस आरएसएस की माँ है, जन्मदाता है। जवाहरलाल नेहरू हेड गोवा के नाम जानते हैं ना, वो बीदर प्रदेश महाराष्ट्र के बीदर प्रदेश के वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ये बनाया, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने ये बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की है, वो मुखर्जी ब्राह्मण है वहाँ का, उन्होंने ये सारे लोग ये आरएसएस बनाया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आरएसएस के उस पर भाजपा चलती है, कांग्रेस चलती है, सब इस पर चलती है, लेकिन जो भाजपा सरकार है आप उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? वो तो इतना काम कर रही है ना देश के लिए, आप देखिए ना इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, सबके लिए बनाई है, मतलब उच्च वर्ग से लेके पिछड़े वर्ग तक के लिए बनाई है। उच्च वर्ग के लिए बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे फेवर, हमारे एगेंस्ट में जो जो सरकारी संविधान से हमारा विरोध में फैसला पास हो रहा है, तो SC ST OBC के विरोध में ये जो सारे आपको बोले है कि LPG है, सेज है, नीट है, नेक्स्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे जो फैसले हमारे विरोध में हो रहा है। और आपको नया आप देख सकते हैं कि वो ये जो हमारा समाज के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू और उससे पहले जो हमारा कबीर जी, तो उसका अपमानित किया जा रहा है। तो अगर वो हमारा सरकार होता और ये फैसला वो ये होता, और फिर भी जो है OBC के जाति आधारित जनगणना के लिए हम लोग मुद्दा उठा रहे थे, तो उसके विरोध में फैसला ले रहा है। 305 IAS जो OBC के है वो पास किए थे, तो उसके विरोध में फैसला, क्रिमिलियर के उसके ऊपर चपा थोपा दिया। और वो नरेंद्र मोदी BJP के सरकार होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी OBC होने के बावजूद भी ऐसा फैसला लिया, तो कैसे माना जा सकता है कि ये हमारा फेवर में, सारा देश की फेवर में काम कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इनकी बातें सुनी, ये कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार है, ये सब आरएसएस के उसमें काम करती हैं, हमारे हित में कोई काम नहीं करता है। तो इन्होंने संगठन चलाया है, 9वां अधिवेशन है आज, इसको सफल बनाने के लिए ये सब एकत्रित हुए हैं। जो ज्योतिराव फुले हैं, जो महात्मा के नाम से जानी जाती हैं, उनकी विचारधाराओं पर चल रहे हैं। जो बाबा साहेब हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनकी विचारधाराओं पर चल के इन्होंने संगठन बनाया है, और देखते हैं कि संगठन कितना सफल हो पाएगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे जनता आवाज़।